हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग हिमाचल लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज के सेशन में हम डिजास्टर uh, मैनेजमेंट के और एमसीक्यूज एम सी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बिसाइड्स टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड इट सेल्फ इंस्पेक्शन शुड बी मेड टू डिटरमाइन द क्लीनलीनेस ऑफ ऑप्शन है आपके पास प्रमाइसिस वेयर फूड इज हैंडल्ड एंड प्रिपेयर्ड बी है वॉशिंग फैसिलिटीज सी है फूड स्टोरेज फैसिलिटीज डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि बिसाइड्स टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ फूड सिर्फ फूड की क्वालिटी को टेस्ट करने के साथ साथ इंस्पेक्शन करने के साथ साथ में और क्या क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं क्लीनलीनेस को फूड से परस्पेक्टिव uh, में ये काम हो रहा है uh, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे तो क्या कहा क्या कह रहा है आपके पास में प्रमाइसिस जहाँ पे फूड जो है वो बनता है ऐसी जगह है जहाँ फूड बनेगा और ठीक है अगला क्या है वॉशिंग जहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं और फूड स्टोर कहाँ पे हो रहा है तो सारे आपसे एक पर्टिकुलर देखो ये फूड से रिलेटेड पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन भी है ना थोड़ा हटके क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं ठीक है तो क्या डिटरमाइन करेगा लगाओ थोड़ी सी कॉमन सेंस तो सारी की सारी चीजें ही डिटरमाइन करेंगी कि नहीं करेंगी है ना तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नेशनल uh, हाईवे 44 प्रेजेंटली जो एट बन गया है ना इज अफेक्टेड बाय विच डेजार्ड अच्छा ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ आउट ऑफ लाइन क्वेश्चन है लेकिन चलो फ्लड्स है अर्थक् से हुआ था क्या लैंडस्लाइड से हुआ या ऑल ऑफ दी तो Uh, इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है लैंडस्लाइड इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग थोड़ी सी खराब होगी है प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काल बैसाखी इज़ अ काइंड ऑफ थंडर स्ट्रोम विटनेस इन द स्टेट्स ऑफ देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपसे पूछा गया है तो आपसे पूछा गया कि ये जो काल बैसाखी है है ना इट्स अ काइंड ऑफ थंडर स्ट्रोम है ना हम पढ़ते हैं तो uh, ये कौन सी स्टेट्स में होता है नागालैंड में होता है त्रिपुरा सिक्किम में है मिजोरम असम में है असम त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल मणिपुर या मिजोरम में है तो हमें ध्यान में रखना है कि जो काल बैसाखी है असम बाला असम असम पता है ना आपको असम वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा वाला जो रीजन है इस पूरे रीजन में इसका इफेक्ट uh, होता है इफेक्ट uh, देखने को मिलता है काल वैसाखी का तो ऑप्शन नंबर सी है ना सी जो है आपका करेक्ट आंसर है ये आप फैक्चुअल uh, क्वेश्चन है आप ध्यान में रख सकते हो सी है इसका करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है विच बॉडी इज द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर तो ऑप्शन का आ, आपके इस क्वेश्चन का आंसर है टी डी एम ए अब आपको टी डी एम ए समझ में आ रहा है कि क्या है टी डी एम ए तो त्रिपुरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है अब यहां पर आप हिमाचल मानकर चल रहे हो तो क्या आएगा हिमाचल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आएगा ठीक है तो ऐसे ऐसे आपको लिंक करना है कि टी और डिजास्टर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उस इन के बारे में हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले सेशन में तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है वट आर द मेजर हजार डिजास्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है फर्स्ट सेशन में आई गेस तो प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स रिकवरी ऑल ऑफ दी द तो जब भी कोई डिजास्टर आता है उसमें फाइव स्टेजेस हमने पढ़ी थी और ये तीनों की तीनों स्टेजेस जो हैं इसका करेक्ट आंसर हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ़ दी अबव आपके पास करेक्ट आंसर है आप प्रिपेयर भी करते हैं आप किसी डिज़ास्टर है उसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना होता है जब डिजास्टर आता है तो रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली किया जाता है और रिकवरी भी डिज़ास्टर आने के बाद जो है वो एज सोन एज पॉसिबल करने की कोशिश की जाती है, है ना इसके अलावा दो और स्टेप्स भी थे वो भी आप देख सकते हो पुराने सेशंस में ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द रोल्स ऑफ एनजीओस इन डिजास्टर रिलेटेड प्रिपेयरनेस स्टेज एनजीओस का रोल एनजीओस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल एनजीओस प्रिपेयर करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि क्या रोल एनजीओस इसमें निभाते हैं ए है आपके पास प, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन क्या वो अवेयर करते हैं लोगों को आ, एजुकेट करते हैं तो जी हाँ अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एन जी ओज़ करते हैं इनफैक्ट जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर एन जी ओज़ पहुँचते हैं ना तो अगला आपके पास क्या है वल्नेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट जी हाँ ये काम भी एन जी ओज़ करते हैं अगला है आपके पास में फॉर्मिंग द ट्रे एंड ट्रेनिंग डी एंड टीज एंड डी एन टीज एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज सारे के सारे काम जो है ऑल ऑफ द अव जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना रिस्क असेसमेंट करना अवेयरनेस जनरेट करना सारे के सारे काम जो है वो एनजीओ इस तरह के रोल जो है वो प्ले करते हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है हु शेल बी द फर्स्ट रिस्पोंडर इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन ये जो फर्स्ट रिस्पोंडर है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट मेंस में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नो नो शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट रिस्पोंडर तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट रिस्पोंडर क्या होता है तो इत एक लाइन तो सारे लिख देंगे कि फर्स्ट रिस्पोंडर वही होगा जो सबसे पहले रिस्पोंड करेगा उसके अलावा क्या रोल उसका रहता है है ना ठीक है तो और किस तरह क्या एक फर्स्ट रिस्पोंडर जो होता है उसका मेंटल स्टेट कैसा होना इस तरह की चीज़ें आपको ये क्वेश्चन मैंने आपके पिछले सेशन में जब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने सेशन डिस्कस किया था तो वहां पर भी आपको एक मेंस के लिए क्वेश्चन बताया था वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो कि व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट फोर मार्क का क्वेश्चन है ना आप फर्स्ट रिस्पोंडर के ऊपर तो ये भी आप अपने आप से कर सकते हो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे ठीक है तो आपके पास ऑप्शन क्या है सेंटर गवर्नमेंट है कम्युनिटी है लोकल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है हु शेल वी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके पास सेकेंड टाइम में क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा आपके पास कौन होगा uh, हमारे पास होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी ठीक है कम्युनिटी आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल प्ले करेगी ठीक है अगला आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है मोक्ष मोक ड्रिल्स एक्सरसाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल आर कंडक्टेड एट कौन से लेवल पर ये अवेयरनेस एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं अब आप समझ पा रहे हो इस चीज़ का मतलब जब मतलब जब भी इस तरह की अवेयरनेस एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाएंगी से फॉर एग्जाम्पल कोई एन जी ओ है तो वो आपको ना पूरी पूरा एक सिचुएशन क्रिएट करके बताएगा से फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेंडर रख दिया तो सिलेंडर को दिखाएंगे कि अगर कोई एक्सप्लोड करता है इस तरीके का सिलेंडर तो वो आपको बताएंगे कि उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है वो अलग अलग तरह की ड्रिल्स आपको कि ऐसे अगर कोई पर्सन को हार्म हुआ है तो उसको ऐसे कैरी करके लेकर जाना है है ना इस तरह से आपको क्रॉस करना अलग अलग तरह की ड्रिल्स आपको जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे वो है ना तो ये जो ड्रिल्स हैं ये किस लेवल पर होती हैं स्टेट लेवल पर होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पर होगी या सभी लेवल्स पर होंगी तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये सारे के सारे लेवल्स पर की जाएगी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पर ही होगी नहीं स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम पंचायत पर ये ड्रिल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए ठीक है कंफ्यूज नहीं करना है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ हाई हिल रेंजेस विद ऑल्टरनेट वैलीज इन त्रिपुरा इज मच सिमिलर टू द रिच वेल टोपोग्राफी ऑफ ठीक है आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रख सकते हो आपके पास ऑप्शन है द मणिपुर हिल्स से रिजेंबल करते हैं क्या एल्प ऑफ यूरोप से द द्लैंशियन रीजन ऑफ यूएसए से द से दार्ट ऑफ इंडिया तो इसका सिंपल सा आंसर आप इस फैक्ट को ध्यान में रखो कि द एपलानशियन रीजन ऑफ यू एस ए आपने जोग्राफी में आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे आपको ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन वन ऑफ ऑफ द द सिक्स मोस्ट एक्टिव रिजन ऑफ द दर्ल्ड अलॉन्ग अदर फाइव जोन्स ऑफ देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया के कौन से पोषण की बात हो रही है कौन से रीजन की बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पे है आई विश्वल, हो हो ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिमिकली ठीक है सिक्स मोस्ट एक्टिव रिजन ऑफ दर्ल्ड अलोंग विद अदर फाइव जोन में कौन कौन से आते हैं मैक्सिको ताइवान कैलिफोर्निया जापान एंड टर्की तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है आगे कोई जरूरत नहीं पड़ने की आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट जो मतलब कि एक्टिव रीजन है सिस्मिकली छह रीजन में से नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी एक है और बाकी के कौन से हैं मैक्सिको है ताइवान है कैलिफोर्निया है जापान है और टर्की है हमने देखा है ना ये सारे के सारे जो रीजन कहाँ पे लाई करेंगे तो सरकम पैसिफिक बेल्ट के आसपास ठीक है हमने क्वेश्चन किया था तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा पुछ, गया है एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स आर एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स के एग्जांपल्स बताइए तो केमिकल एंथ्रोपोजेनिक आपको पता है ना एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है ह्यूमन मेड है ना तो आपके पास क्या है केमिकल एक्सप्लोशन अर्थ को एक फ्लड वाइल वाईफाई तो यहाँ पर देखो अब आपको मैंने आपको दो पिछले लास्ट के दो सेशन है वहाँ पर आपको ये बताया था कि जो फ्लड होते हैं वो मैन मेड भी है और नेचुरल भी है लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज़ केमिकल एक्सप्लोजन जो फ्लड है वो तो आपके नेचुरल भी है ना लेकिन केमिकल एक्सप्लो जब भी होगा तो मोस्टली आपका ये जो एंथ्रोपोजेनिक है ठीक है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है प्लीज क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा है ना तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिवेलप करनी पड़ेगी ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है अगला आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा अच्छा बड़ा स्टैटिक पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन तो ठीक है तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो 1999 में ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर में ओडिशा में कोई आम, तो दैट वॉज साइक्लोन अब आपका काम क्या होता है यहाँ पर आपको देखना है कि साइक्लोन क्या होते हैं साइक्लोन के फीचर्स क्या हैं क्या फर्क होता है किसी साइक्लोन में और किसी सुपर साइक्लोन में एक क्वेश्चन आया था कि किस पर्टिकुलर रेंज से ऊपर अगर स्पीड बढ़ जाए साइक्लोन की तो उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है हमने पिछले सेशंस में ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है तो आप देख सकते हो आपको सारे सेशंस देखने हैं ना आपको बहुत बेनिफिट होगा इनसे तो सुपर साइक्लोन ठीक है अगला क्वेश्चन क्या था The human factors which cause flood are. अच्छा फिर से आ गया क्वेश्चन देखो फ्लड के ऊपर डिफोरेस्टेशन हैवी रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट क्लाउड बर्स्ट है लार्ज काचमेंट एरिया है अच्छा तो ह्यूमन फैक्टर जिससे फ्लड आएगा तो डिफोरेस्टेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है हैवी रेनफॉल ह्यूमन फैक्ट ह्यूमन नहीं कराते हैं रेनफॉल ठीक है इट्स अ नेचुरल फिनमिनन एंड क्लाउड वर्स बीट्स देखो इनडायरेक्टली आप कर सकते हो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण बट अगेन इट्स अ नेचुरल फिनोमिना जो डिफोरेस्टेशन है वो मैन वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है एंड uh, इसके कारण जो है वो फ्लड को आप रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली तो आपके पास ऑप्शन जो ए है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर राइट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भोपाल गैस इंडस्ट्रियल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर न्यूक्लियर डिजास्टर तो it's a disaster. कौन सा डिजास्टर है भोपाल गैस ट्रेसिडी जो है 1984 में कौन सी गैस थी आइसोसाइनाइट um, कौन सी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है वो लीक हुई थी एंड इफ इट्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर या इसको मैन मेड डिज़ास्टर भी बोल सकते हैं ये जो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कब हुआ था कितने टाइम पहले और जनरेशन को ही इसने जो है इसका इफेक्ट जो है वो आज तक देखा जाता है जिस रीजन में भी ये ट्रेजिडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजडी ठीक है तो इसके बारे में भी आप ना अक्सर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए देख सकते हो पढ़ सकते हो इसके बारे में भी ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पैंडेमिक पैंडमिक डिजीज डिफाइंड एज आज... अच्छा देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके पास कि कभी भी कोई पैंडेमिक डिजीज़ है पैंडेमिक कब बोला जाएगा किसी को भी तो आपके पास ऑप्शन क्या है आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ इन इंटरनेशनल स्केल आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ बियॉन्ड द एरिया ऑफ अ डिजीज़ कंजेशन इन अर्बन एरियाज तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा जब भी कोई डिजीज़ जो है बहुत लार्जर एरिया पर फैल जाए है ना स्प्रेड हो जाए तो यहाँ पर तो डायरेक्टली बोल दिया कि इंटरनेशनल स्केल पर आप कोरोना को ही कोविड बहुत ही मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है पैंडमिक का एंड आउटब्रेक तो इंटरनेशनली हुआ था इंटरनेशनल स्केल पर तो मैंने आपको बता दिया कि लार्जर स्केल पर बहुत लार्जर स्केल पर जब भी कोई डिजीज स्प्रेड होगी तो उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है राइट तो आपको देखना है कि पैंडमिक क्या, क्या है क्या है क्या डिफरेंस क्या होता है इन चीज़ों में ये आप देख सकते हो ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है ये निमोनिक प्लेग विच देखो बहुत ही निमोनिक प्लेग विच अकर्ड इन सूरत गुजरात इन 1994 इस तरह के क्वेश्चन पूछ कोई नहीं पूछेगा आपसे ठीक है तो स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है एपिडेमिक डिजीज हज़ार ठीक है बी साइक्लो अगला क्वेश्चन है साइक्लोन्स इन द कैरेबियन आइलैंड्स आर नोन एज ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है कि साइक्लोन को डिफरेंट अर्थ को रिजन अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट डिफरेंट नामों से नेम्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि कैरेबियन आइलैंड्स आई होप कि आप लोकेट कर पा रहे हैं वर्ल्ड मैप आप आपके आपकी विजुअल मेमोरी में आ जाना चाहिए और आपको कैरेबियन आइलैंड्स जो है वो एकदम दिख रहे होने चाहिए कि कहाँ जैसे लोकेटेड हैं कैरेबियन आइलैंड्स अब आप बताओ कि वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर है कैरेबियन आईलैंड कहाँ है एटलेंटिक ओशन के है ना तो आप ऑप्शन क्या है आपके पास में इनको क्या कहा जाएगा हरिकेंस कहा जाता है ना ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है इंडस्ट्रियल हजार्ड्स कम्स अंडर दिरी कैटेगरी ऑफ ह्यूमन इंड्यूसड हज़ार ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है आपके पास ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास पैंडमिक डिजीज़ इंक्लूड देखिए पैंडेमिक डिजीज़ इंक्लूड ये क्वेश्चन अच्छा है आपसे पूछा थोड़ा सा स्ट्रेटिक क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखेंगे कि कुल्रा है आपके पास में स्मॉल पॉक्स है ट्यूब क्लोसिस है आज तो हमें हमारे पास जैसे स्मॉल पॉक्स है तो इसका तो बिल्कुल क्योर है लेकिन जिस टाइम पर ये आप सोचो ना कि ऑल ऑफ द एवर जो है इसका करेक्ट आंसर है वैसे क्वेश्चन का तो कोलेरा आज तो इस ये हमें इतना नहीं लगता है डेंजरस है ना और स्मॉल पॉक्स आज इतना डेंजरस नहीं लगता क्योंकि इसके वैक्सीन है इसका क्योर लेकिन ट्यूबोक्लोसिस है जैसे कि लेकिन इतने जब भी ये शुरू में आए होंगे तो कितना इन्होंने मतलब तबाही मचाई होगी तबाही है ना तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है तो ये सारे के सारे ही जो थे वो पैंडेमिक का एग्जाम्पल थे राइट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रोट वाइल्ड फायर इज ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रोट वाइल्ड फायर इज एग्जाम्पल ऑफ ए इंडस्ट्रियल हेजार्ड मैन लॉजिकल हेजार्ड हाइड्रोलॉजिकल हिजार्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रोट वाइल्ड फायर तो आपके पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है मिटीरियोलॉजिकल हेजार्स ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रोल्ट और वाइल्ड फायर देखो वाइल्ड फायर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वाइल्ड फायर हमने डिस्कस किया है कि इट्स अ मैन इंड्यूस्ड हज़ार ठीक है लेकिन हमेशा ही मतलब मैन इंड्यूस्ड भी नहीं होता है नेचुरली भी वाइल्ड फायर जो है वो अकर होती है है ना इतना भी हमें एकदम क्लियर कट शोशॉट होना चाहिए दिमाग में है ना तो कंफ्यूज नहीं करना है आपने कि नहीं जंगलों में आग लगती है तो Uh, किसी ने बीड़ी फूकती वहाँ पर और आग लगी नहीं खुद से भी जहाँ बहुत ही uh, ऐसे रिजन uh, है बहुत हॉट रिजन्स uh, हैं वहाँ पर खुद से भी एंड बहुत ही uh, आग पकड़ने वाली बायोडिवर्सिटी uh, वहाँ पर है तो वहाँ पर खुद से भी आग लग जाती है, है ना जंगलों में तो हमारे पास आंसर क्या था इस क्वेश्चन का सी मैंने आपको क्लियर कर दिया आपने कंफ्यूज नहीं होना है अब है ना तो आज के सेशन में भी हमने ट्वेंटी क्वेश्चन किए हैं आपके पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टफ है वो बढ़ता जा रहा है आपको सारे सेशन देखने हैं ठीक है थीके? और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच